नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में चुनावी समय शुरू होने वाला है। जी हाँ, बता दें कि 12 नवंबर को निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई है जिसमें आयोग की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग इस चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करेगा। वहीं अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नगर तैयारियों से संतुष्ट हुए तो अगले कुछ ही दिनों में चुनाव कराने के आदेश भी जारी किए जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नई शहरी सरकार चुनने के लिए आम चुनाव होने थे लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये टलता गया और हाल ही में इन शहरों के लिए नई मतदाता सूची भी तैयार कर ली गई है और इनका अंतिम प्रकाशन भी कराया जा चुका है। इन शहरों में मतदान केंद्रों का भी निर्धारण हो चुका है। शुक्रवार को जिलों के कलेक्टर के साथ बैठक में मानव संसाधन, स्टेशनरी और दूसरी जरूरतों की समीक्षा की जानी है। आयोग कलेक्टर ने इस चुनाव के लिए बजट प्रस्ताव भी मंगाया है। बताया जा रहा है कि तैयारियों से अगर आयोग संतुष्ट रहा तो दिसंबर के अंत अथवा जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी हो सकता है और 15 शहरों में निकायों के लिए आम चुनाव के साथ साथ कुछ नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के वार्डों में पार्षद के लिए उपचुनाव भी कराया जाएगा और ये उपचुनाव भी इसी के साथ होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के लिए आम चुनाव दिसंबर 2019 में हुए थे लेकिन भिलाई और बिरगांव नगर निगमों सहित दूसरी पालिकाओं पंचायत का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। ग्रिसाली और भिलाई चरोदा नगर निगम बाद में अस्तित्व में आए और ऐसे में वहां भी चुनाव नहीं हुए थे। अब इन बचे हुए निकायों में लोग अपनी सरकार चुनेंगे। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।